आजमगढ़ जिले के गोविंदपुर गांव निवासी पीड़ित ने पटीदारों पर खेत की जुताई बुआई न करने देने का आरोप लगाते हुए अंबेडकर पार्क में भूख हड़ताल व धरने पर बैठा है। सोमवार को ही जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे तबरपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव निवासी मूर्त यादव ने बताया कि उसकी बुमदरी खेत को गांव के प्रेम यादव परवीन यादव जोतने बोने नहीं दे रहे। खेत लगभग साल भर से परती पड़ा है, ऊपर से उसमें मिट्टी डाल के पाट रहे। विरोध करने पर धमकी देते हैं, कहते हैं कि ये तुम्हारी जमीन नहीं है, जबकि न्यायालय ने आदेश पारित किया कि उसे बेदखल नहीं किया जाएगा। वह जिला से लेकर तहसील स्तर के अधिकारियों से गुहार लगा चुका है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते वह काफी हताश व निराश है। थक हार कर वह जिला मुख्यालय पहुंच आला अधिकारी को सूचना देते हुए अंबेडकर पार्क में धरना व भूख हड़ताल पर बैठा है। जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता तब तक वह धरना समाप्त नहीं करेगा। मुहूर्त आदो हैला गोविंदपुर गांव कहला और हमारे खेत में मट्टी अथवा जोते बो ना देते हमें और प्रेम और परमीन चंद और लोग जोते ना बो देते हमें मार के लोग भगावत था। डीएम कल्याण में बैठा जोते बो ना देते हमें कहा था तोहर ना हो घर द्वार बनाए लिए साहब उम्मीद साहब वही मल लोग हमें लाठी सबकी के अधिकारी के करें डीएम कमिश्नर साहब के यहाँ तहसील पर और अथवा पर थाना पर कुल ठार गलानी कत्तों साहब लोग के वही अथवा ना कही लगता वही मतलब भूख हड़ताल पर बैठल है। डीएम के पार्क में अम्बेडकर पार्क में बैठल है। क्या मांग है? मांग ये साहब है कि हमारे खेत में से भूधरी में से माटी होती हट जाए साहब, कब्जा करते हैं साहब लोग, मांग हमारी हट जाए। कब तक बैठल रहा भाई भूख हड़ताल? जब ले साहब ना हमारे काम हुई तब ले बैठल रहा भूख हड़ताल। ऐसा में तो दौरान अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी क्या हो सब डीएम का।